तो दोस्तों देख सकते हो इसका जो पिस्टन है ये नया है। सबसे पहले पिस्टन को रेडी करना है, पिस्टन पे लॉक लगाना है, इसमें रिंग डालना है और रिंग डालने के बाद इसे ब्लॉक पे फिटिंग करना है। ब्लॉक बोरिंग हो चुका है, बोरिंग देख सकते हो ब्लॉक का बिल्कुल सही तरह से सॉलिड बोरिंग है, बोरिंग हो चुका है अब देख सकते हो। देख सकते हैं दोस्तों ये पिस्टन आराम से अंदर की ओर घुस चुके हैं। ये चूड़ी आप दोस्तों देख सकते हो, ये है स्प्रिंग चूड़ी। स्प्रिंग चूड़ी को सबसे पहले एम पोजीशन में इस तरीके से रखना है, कट को एक कट देख सकते हो इधर डब्ल्यू की पोजीशन में नहीं रखना है, एम पोजीशन में रख के पिस्टन को टॉप पोजीशन में रख के इसे एम पोजीशन में रखना है। एम पोजीशन में रख के इनलेट के बिल्कुल सामने रखना है माथे पे। पहला जनवरी जनवरी सब साउंड देखने इसका म्यूजिक दे दम माइक टेक ऐसा ढुकी जाए ना बोल ये चूड़ी आप दोस्तों देख सकते हो, ये है स्प्रिंग चूड़ी। स्प्रिंग चूड़ी को सबसे पहले एम पोजीशन में इस तरीके से रखना है, कट को एक कट देख सकते हो इधर डब्ल्यू की पोजीशन में नहीं रखना है, एम पोजीशन में रख के पिस्टन को टॉप पोजीशन में रख के इसे एम पोजीशन में रखना है। एम पोजीशन में रख के इनलेट के बिल्कुल सामने रखना है माथे पे। तो दोस्तों देख सकते हो इसका जो पिस्टन है ये नया है। सबसे पहले पिस्टन को रेडी करना है, पिस्टन पे लॉक लगाना है, इसमें रिंग डालना है और रिंग डालने के बाद इसे ब्लॉक पे फिटिंग करना है। ब्लॉक बोरिंग हो चुका है, बोरिंग देख सकते हो ब्लॉक का बिल्कुल सही तरह से सॉलिड बोरिंग है, बोरिंग हो चुका है अब देख सकते हो। मतलब इनलेट की साइड रहेगा तो सो इनलेट की साइड जब रहेगा पिस्टन के इस जगह पे दोस्तों टाइमिंग चेन रहता है, टाइमिंग चेन जिस जगह पे रहते हैं उस जगह पे लॉक इंजन में फिट करने के बाद नहीं लगाया जाएगा, इसलिए सबसे पहले टाइमिंग चेन के पास हम सो पिस्टन का लॉक लगाते हैं इस तरह से। तो आप देख सकते सबसे पहले इस तरीके से लॉक को बैठाना है, बैठाने के बाद में एक स्क्रूड्राइवर लेना है, स्क्रूड्राइवर की मदद से लॉक इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस करना है नीचे को सामने वक्त से क्लियर से ले सामने। देख सकते हो दोस्तों लॉक बैठा है, अभी भी सही तरीके से नहीं बैठा है, इस तरीके से इसे दबाना है। देख सकते हो लॉक बिल्कुल सही तरह से बैठ चुका है। लॉक बैठाने के बाद में दोस्तों इसे इस तरह से घुरा के देख लेना है, बहुत ज़्यादा तो घूमता नहीं है फिर भी इसे देख लेना चाहिए ठीक से लॉक बैठा है या नहीं। देख सकते हो बिल्कुल पूरी तरह से बैठ चुका है। ये लॉक टाइमिंग चेन की साइड में रहेगा, इसीलिए मैं लॉक यहाँ पहले से लगा चुके हैं और जो दूसरी लॉक है
और इसके अंदर जो बूस होता है, बूस लगाने के बाद में इंजन में फिटिंग करने के बाद इसे लगानी है। स्टीयरिंग रिंग का दोस्तों इस पोजीशन में एक चूड़ी को रखना है, देख सकते हो इस तरीके से रखना है एक चूड़ी को। स्टीयरिंग रिंग का कट यहाँ है और चूड़ी को यहाँ रखना है, इस चूड़ी को। पहले स्प्रिंग रिंग का जो पहले चूड़ी है, स्प्रिंग रिंग का निचले हिस्से में लगा चुके हैं, और स्प्रिंग रिंग का जो अप पोजीशन है, अप पोजीशन में और एक चूड़ी डाला जाएगा इस तरीके से। स्प्रिंग रिंग का कट दोस्तों यहाँ है, चूड़ी तो यहाँ हो, आप देख सकते हो। अब ये दो रिंग बचा है, ये दो रिंग में थोड़ा सा काले रंग का जो रिंग है इसे टॉप टू लिखा है यहाँ पर, और व्हाइट कलर का जो रिंग होता है, जो व्हाइट कलर मतलब ठीक नहीं, स्टेनलेस स्टील का कलर है ये, टॉप वन, इस पर टॉप वन लिखा रहता है इस पोजीशन में, देख सकते हो। टॉप टू लिखा है, टॉप कितने मिलते हैं, टॉप टू लिखा है इस चूड़ी पे। पहले इस चूड़ी को लगाना है पिस्टन की एग्जस्ट की तरफ, जो टॉप टू एंड पोजीशन में देख सकते हो। एंड में ये टॉप वन रिंग है, टॉप वन रिंग को इस तरीके से यहाँ लगाना ही है इनलेट के साइड में, तो टॉप वन रिंग लग चुका है। अब इसे ब्लॉक पे फिट करना है, क्योंकि मैं लॉक भी पहले से लगा चुके हैं ब्लॉक पे। इस पोजीशन पे दोस्तों ब्लॉक का टैंक्शन होता है, और हमें इनलेट को इनलेट जो पिस्टन में बड़ा कट दिया हुआ है, इनलेट लिखा है, इसे इस पोजीशन में रखना है इस तरीके से, पिस्टन पे पहले से इंस्टॉल कर लेना है दोस्तों। अब हमें बारीकी से रिंग को अंदर की तरह घुसा लेना है, सारा रिंग को अब देख सकते हो स्क्रू ड्राइवर की मदद से सारी रिंग को आराम से घुसा लेना है, कोई जबरदस्ती में नहीं, इजी लिहाज से फिट करना है रिंग को। पूरी ध्यान के साथ दोस्तों इस रिंग को फिट करना चाहिए, कोई रिंग फिट करने में कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। देख सकते हैं दोस्तों, दोस्तों ये पिस्टन आराम से अंदर की ओर घुस चुके हैं। जब दोस्तों आपका रिंग सही लगेगा ना, तो ये पिस्टन आराम से अप डाउन करेगा, आराम से इस तरह से अप डाउन करेगा इजीली। देख सकते हो इंजन का रिंग पूरी सही तरीके से ठीक है, नहीं है इसलिए जो इंजन ऑयल है ये इस तरफ नहीं आ रहा है, सारी इंजन ऑयल ऊपर की ओर चली आ रहा है। अगर रिंग खराब हो जाएगा ब्लॉक का, तो इंजन ऑयल यहाँ से लीकेज करके यहाँ आएगा, यहाँ का इंजन ऑयल यहाँ आएगा। आप देख सकते हो पूरी सही तरीके से ठीक है। और एंड में दोस्तों आपको एक चीज देख लेना है, ये पिस्टन यहाँ गज रहा है या नहीं, देख सकते हैं पिस्टन नहीं गज रहा है। पिस्टन को ब्लॉक पे डाल देने का पर दोस्तों लास्ट जो चेक है ये है, लास्ट चेक यही करना है, हमारा जो पिस्टन ब्लॉक के अंदर पिस्टन का फ्री प्ले है या नहीं, देख सकते हैं बिल्कुल भी फ्री प्ले नहीं है, टाइट है पिस्टन।